and you're watching Expose India. उत्तर प्रदेश की अयोध्या पुलिस ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बीती 2 जनवरी को अयोध्या निवासी मनोज कुमार के फोन पर इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उस दौरान आरोपियों ने अपना पता दिल्ली का बताया था ताकि पुलिस उन्हें आसानी से न खोज सके। वहीं धमकी मिलने के बाद मामले में मनोज ने पूरी जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने सर्विलांस की मदद से अब आरोपियों को खोज निकाला है और महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो महाराष्ट्र के रहने वाले अनिल रामदास घोड़के व विद्या शंकर धोत्रे ने गर्लफ्रेंड के भाई को फंसाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तो ठीक यही वाक्य इन दोनों आरोपियों पर भी सटीक बैठता है, क्योंकि पुलिस ने अब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। दिनांक 2 फरवरी को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मनोज कुमार, जो रामलला सदन के हैं, प्रयागराज में कल्पवास कर रहे थे, उनको सूचना दी गई कि आज राम मंदिर को उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने तत्काल इस सूचना को जो है स्थानीय पुलिस को दिया। स्थानीय पुलिस में तत्काल इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने सबसे पहले उस टेलीफोन के स्रोत को पता किया तो टेलीफोन के स्रोत से ज्ञात हुआ कि यह टेलीफोन जो है दिल्ली में बिलाल नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिससे जाकर के पूछताछ की गई। और पूछताछ के क्रम में यह बात सामने आई कि बिलाल को कोई व्यक्ति फंसाना चाहता है, और गहनता से पूछताछ की गई तो उसमें तथ्य जानकारी में आया कि बिलाल की बहन के किसी एक लड़के से कुछ संबंध थे। उस लड़के द्वारा धमकी देने के क्रम में जो है उनको फंसाए जाने के क्रम में इंटरनेट कॉलिंग करके ये सूचना दी गई है। जब इसका गहनता से विश्लेषण किया गया और साइबर की तमाम सारी विधियों को अपनाते हुए इसमें देखा गया तो इसमें एक नाम जानकारी में आया, अनिल रामदास घोड़के का जो है, ये वहाँ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। घोड़के का नाम आया, अनिल रामदास घोड़के हैं, इनका नाम जानकारी में आया। जब इनके बारे में और पता किया गया तो पता चला कि ये फर्जी नाम पता रख करके बाबा मूसाजान के नाम से चेन्नई में कहीं रह रहे थे। इनको बुलवाया गया, बुलवाने के बाद इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद पर्याप्त आधार और साक्ष्य मिलने पर इनको गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा जा रहा है। इस कार्य में इनकी पत्नी भी पूर्णतः सहयोग देती थी, जो धनराशि प्राप्त होती थी दोनों मिलकर ही इस काम को किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन, लैपटॉप और 2 कुरान सहित कई अन्य सामान बरामद किए हैं। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।